आपके डिमांड में भी होने वाला है। हमारे प्यारे सब्सक्राइबर आप लोग देख सकते हो, करण सिंह ने बस कमेंट किया उसको चाहिए एक मोको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बी आर रैंक के लिए, प्लीज भाई बना दो यार। तो मैंने कहा चुका हूँ बी आर रैंक के लिए मोको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। अगर आप लोग मोको का यूज करते हो और आप लोग स्नाइपर कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो ना, तो मैं आपको बेस्ट वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा, वो भी आप बस मोको कैरेक्टर के साथ। तो कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो वीडियो आ रहा है वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको और भी आने वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन वीडियो आपको देखने के लिए मिलता रहे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे फर्स्ट में आपको यूज करना है मोको कैरेक्टर का। आप देखो मोको कैरेक्टर के स्किल आप लोगों को पता होगा यार, जैसे कि आप लोग टारगेट कर वैसे बंदे को एक बार आपको डैमेज देते हो ना, तो बंदे क्या होता है उसके ऊपर एक टैग शो हो जाता है, जो बंदा क्या होता है बंदा आपको कहाँ भाग रहा है क्या कर रहा है आपको यहाँ पता चल जाता है, और आप लोग उसी डायरेक्शन में जाके बंदे को आप लोग इजिली बंदे को आप लोग मार सकते हो। अगर बंदा भाग रहा है ना, तो आपको यहाँ पर 6 से 5% आपको एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर देखने वाला है, इसका टाइम देखने मिलने वाला है गाइस। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे फर्स्ट में आपको मोको का यूज करना है। अब देखो मैं यहाँ पास मोको का यूज कर रहा था गाइस, अब देखो एक बंदा सामने आया, देखो मोको निशान आया बंदा नॉक। भाई क्या होता है, जैसे आप लोग बंदा का मारते हो ना एक बार डैमेज दो, तो उसके ऊपर एक पैरो निशान आ जाता है, उसी तरफ आप लोग वही स्नैपर जाते हो, तो आप लोग बस एक गोली मारना है आपको बंदा। यहाँ पर देखो भाई क्या ही मैं मक्खन के बंदे को मार रहा हूँ काफी इजीली यार। तो आप लोग अगर मोको का यूज करते हो ना, तो आप लोग भाई ऐसा आप लोग बंदे को मार सकते हो काफी इजीली यार। और देखो भाई बहुत दिन बाद स्नैपर चला रहा हूँ, क्या ही खतरनाक स्नैपर चला रहा हूँ, बंदा आया दो गोली बंदा खत्म। तो आप लोग देखो एक बार भूया कर दिया भाई सोलो सिर्फ स्क्वाड में यार, सोच सकते हो भाई मोको कैरेक्टर कितना खतरनाक है अगर आप स्नैपर को चलाते हो। तो स्नैपर में आपको सबसे ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। अब देखो बात करते हैं स्किल में कौन कौन सा स्किल का हमको यूज करना है। तो बात करते हैं एक्ट टू में। अब देखो एक्ट टू में इतने सारे कैरेक्टर हैं कि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, हम लोग कौन सा एक्ट टू है उसको हम लोग यूज करें। तो आप लोग देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर भाई एक्ट टू यहाँ पर स्किल आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ क्या करना है, आपको यूज करना है गाइस हुकोंग कैरेक्टर का। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग हुकोंग का यूज करोगे ना, तो क्या होता है जैसे आप लोग हुकोंग का यूज करते हो और इससे इसका फायदा क्या है, जैसे आप लोग स्नैपर जाते हो तो आपको क्या चाहिए, आपको एक्यूरेसी चाहिए होता है, जैसे बंदे को आप लोग टारगेट करोगे तभी आप लोग बंदे को मार पाओगे ना, तो इसलिए मैं हुकोंग का यूज करने के लिए बोल रहा हूँ। आप तो जैसे आप लोग झाड़ बनोगे ना, तो आप लोग बड़े आसानी से अपने बंदे के ऊपर एम कर सकते हो, अरे एक बार एम कर दिया एक बार डैमेज दिया ना, तो उसके बाद मोको कैरेक्टर है वो अगला आपको काम कर देगा। आप लोग देख सकते हो भाई क्या ही मैं आप लोग स्नैपर चला रहा हूँ, और भाई कार नाइट्रोजन भाई सबसे बेस्ट स्नैपर है यार। आप लोग भाई स्टोर नहीं जिधर रहता है ना, बीच बीच में रहता है स्टोर है बस पड़ता है, जिससे आप लोग को भाई उसको गाड़ी में जाकर ढूंढना पड़ता है, उसमें आपको भाई डबल स्नैपर आपको कार नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा, बस उसमें आपको एक चिप लगाने की जरूरत पड़ेगा गाइस। और आप लोग हर बॉक्स को खोलोगे ना, तो आप लोग भाई एक न एक आपको स्नैपर यहाँ बस मिलने वाला है गाइस। आप देखो भाई देखो बंदा आया सामने आया बंदा खत्म, वही बार बंदा आप लोग को भाई आसानी से आप लोग बंदे को मार सकते हो। अब देखो यहाँ पर देखो एक बंदा हमें दिया, देखो मैं हुकोंग बन गया, अगर यहाँ पर देखो कोई भी और इस तरह में एक्टू भी यूज करता ना, तो मैं यहाँ पास बच नहीं पाता। अगर देखो बंदा आया, अगर फिर से कोई बनूंगा फिर से बंदे को नॉक करूंगा ना, तो मेरे एक्टू है वो फिर से बस चार्ज हो जाएगा। देखो वाल लगाया मैंने, देखो बंदा आया सामने आया बंदे को नॉक किया, देखो फिर से यहाँ पर हुकोंग का यूज मैं कर सकता हूँ। इसलिए आपको एक्टिव में आपको यूज करना है हुकोंग कैरेक्टर का, आपको यूज करना है सबसे बेस्ट है। अगर आप लोग स्नैपर चलाते हो तो हुकोंग कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है एक्टिव में गाइस। अब देखो हमने एक्टिव में हुकोंग का यूज कर लिया है, और यहाँ पर दो स्किल और भी अभी बचा हुआ है। तो हम लोग दो स्किल है उसमें हम लोग और कौन कौन सा कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन की। तो सेकंड कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन में आपको यूज करना है गाइस स्नैपर चलाते हो, तो आपको यूज करना है गाइस रफेल का। जी हाँ गाइस, रफेल वन ऑफ द बेस्ट है यार। आप स्नैपर जाते हो रफेल से करते हैं, आप लोग कोई से भी गन देखो यहाँ पर लिखा है मार्क्स राइफल स्नैपर, स्नैपर हो गया, कोई वाउंड टेबल हो गया जैसे ट्रेंगन हो गया, वुड पेकर हो गया,
SKS हो गया, ऐसा अगर किसी गन को चलाते हो तो क्या करता है उसमें ऑटोमेटिक यहाँ पास साइलेंसर लगा देता है, जिससे बंदे को वही पता नहीं चलेगा और आप लोग बड़े आसानी से बंदे को आप लोग नॉक करके आपस फिनिश कर देते हो। जिससे बोले बंदे को नॉक करते हो ना तो यहाँ पास 85% यहाँ बंदा यहाँ पर जल्दी से यहाँ पास फिनिश हो जाता है। अब देखो एक बंदा क्या हुआ, एक बंदा भाग रहा था, देखो भाई उसको मार रहा हूँ भाई, उसको पता नहीं चल रहा बंदा कहाँ से मार रहा है उसको। आप लोग स्नैपर का यूज़ करोगे और आप लोग रफाइल का यूज़ करोगे ना तो भाई बंदा आ रहा हूँ बंदे को पता नहीं चलेगा आप लोग बंदे को किधर से मार रहे हो और आप लोग बड़े आसानी से आप लोग बंदे को इजीली आप लोग मार सकते हो। अब देखो यहाँ एक बंदा हो, बंदा हेडशॉट दिया, बंदा नॉक। तो भाई यार आप लोग भाई स्नैपर चलाते हो तो आप लोग यहाँ पास रफाइल का यूज़ ज़रूर से करना है। अब देखो एक बंदा बस लूट रहा था, सब बड़े आसानी से लूट रहा था, उन्होंने उस तरह से ऊपर आया, एक डैमेज दिया, दूसरा डैमेज दिया, तीसरा डैमेज। देखो भाई देखो भाई बंदा यहाँ बस कहाँ वाला लगा रहा है, बंदा उधर वाला लगा रहा है भाई, बंदे को पता नहीं है मैं इधर से मार रहा हूँ। अरे बंदा भागा, बंदा नॉक भाई, बड़े आसानी से आप लोग भाई बंदे को नॉक कर देते हो। अरे देखो एक बार उसको नॉक किया ना, देखो उसको पार्टनर उसको रिवाइव करने के लिए आ रहा है, एक गोली दिया, दो गोली दिया, ये भी बंदा यहाँ पास नॉक। इसलिए आपको यूज़ करना है इस रफाइल का, आपको यूज़ करना है, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है रफाइल कैरेक्टर। आप देखो इस लास्ट में बच जाता है हम लोग लास्ट में और कौन सा कैरेक्टर का यूज़ करें। आप देखो लास्ट में भी आपको यहाँ पास एक HUL आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज़ जरूर करना पड़ेगा। अब देखो स्नैपर चलाओगे ना तो आप लोग को भाई कोई भी आपको HP देगा तो आपको यहाँ पास लियोन का आप लोग यूज़ कर सकते हो। एक बंदा आपको डैमेज देगा ना तो आपको लियोन है जो आपको HP बढ़ा के देगा। और आप लोग भाई यहाँ पास हॉट कैरेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो, हॉट वन द बेस्ट है यार, लियोन भी बेस्ट है। आप लोग देखो दोनों में से आप लोग जो मर्जी है आप लोग यहाँ पास यूज़ कर सकते हो। हॉट आपको भाई 40 HP देगा और जो लियोन है आपको यहाँ पास 60 HP आपको देगा। अब देखो एक बंदे को नॉक किया मैंने, उसको पूरा फिनिश किया, फिनिश करने के बाद थोड़ा सामने गया नहीं, अब देखो सामने गया मैं, जैसे वो सामने गया ना देखो देखो ऊपर से कितना मेरे को डैमेज पड़ा आप लोग देख सकते हो। जैसे यहाँ पर डैमेज पड़ा ना पूरा मेरा HP था वहाँ पर 0 हो चुका था। अब देखो मैं DB अगर हॉट कैरेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो मेरे को ऑटोमेटिक यहाँ पर 40 HP मेरे को मिल गया। और सामने बंदा आया, देखो बंदे को मैंने काफ़ी आसानी से बंदे को नॉक करके यहाँ पर हेडशॉट मार के बंदे को नॉक कर दिया। अब और भी यहाँ पर सामने बंदे थे गई आप लोग देखते हो, यहाँ पर बहुत सारे बंदे थे। अब मैं यहाँ पर सोलो से स्क्वाड खेल रहा था, एक बंदा सामने से देखो गाड़ी में जा रहा था, उसको डैमेज दिया, दो गोली दिया, तीन गोली दिया, चार गोली दिया और यहाँ पास 5-6 गोली में जाकर भी बंदा यहाँ पास नॉक हुआ। और वो भी यहाँ पास सोनिया का यूज़ कर रहा था। अब देखो सोनिया का यूज़ भी कर रही होगा ना, तो देखो यहाँ पर देखो दो बंदे यहाँ बस बचे हुए थे। अब देखो एक बंदा बस सामने में आएगा, देखो वही देखो सामने जैसे जस्ट जैसे निकलेगा ना, देखो एक ही गोली निकला, एक बार डैमेज दिया और यहाँ पर देखो बंदा एक ही गोली का है। तो मेरे पास था यहाँ पर देखो गन, देखो समझा, देखो भी बड़े आसानी से बंदे को नॉक कर दिया और उसको भी फिनिश भी कर दिया। और आप देखो लास्ट वाला बंदा बच गया था गाइस, और यहाँ पर देखो मैं 14 किल यहाँ पास कर चुका था, वो भी BR रैंक में सोलो वर्सेस स्क्वाड कर रहा था, वो भी यहाँ पर डबल स्नैपर के साथ। आप लोग सोच सकते हो कि कितना खतरनाक स्नैपर चलता है और आप लोग इस वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज़ करोगे तो। अब देखो बंदा एक ही गोली का है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पास वाल लगाऊंगा। अब मेरे पास दो ग्रेनेड है, मैं ग्रेनेड कुक करूँगा और एक इधर फेंकूंगा और एक इधर फेंकूंगा। देखो जिससे फेंका ना, देखो बंदा खत्म। और मैं इस मैच को भाई 15 किल करके मैंने इस मैच को भाई बुया कर लिया। तो आप लोग भाई अगर मोको का यूज़ करते हो ना गाइस तो आप लोग भाई ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज़ करो यार, सबसे बेस्ट है ये बता रहा हूँ। और आप लोग स्नैपर चलाते हो चाहे वन टेप वाला गन चलाते हो ना तो सबसे बेस्ट है ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, आप लोग एक बार यूज़ करके जरूर से देख लेना गाइस। तो आइए आपको ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मस्त लगा यार, आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर देना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा गाइस। तो मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद यार, जय भारत देश।